और इस बीच एक बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां लालू आवास पर आरजेडी की अहम बैठक हुई। सीटों के बंटवारे को लेकर आरजेडी की बड़ी बैठक हुई है। लालू यादव की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई। इस दौरान तेजस्वी यादव भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में सीट बंटवारे को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अधिकृत किए गए हैं। सीट बंटवारे और उम्मीदवारों पर लालू लेंगे बड़ा फैसला। संसदीय बोर्ड की बैठक में लिया गया फैसला। पशुपति पारस और मुकेश सहनी पर नहीं हुई चर्चा। अब्दुल बारी सिद्दीकी, जेपी नारायण यादव भी शामिल हुए। वहीं पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत के साथ कई नेता इस बैठक में मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पहले चरण के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब इसी दौरान बिहार में अब तक महागठबंधन के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है और ऐसे में अब पटना में लालू यादव ने बड़ी बैठक बुलाई और इसमें तमाम मंत्री भी शामिल हुए। पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत के साथ कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। संसदीय दल की भी बैठक हुई और राज संसदीय दल की बैठक के आधे घंटे के बाद फिर जो है केंद्रीय संसदीय दल की भी बैठक हुई। दोनों बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो विभिन्न समान विचारधारा वाली पार्टी से भी वार्ता करेंगे और टिकट के लिए भी उम्मीदवारों का चयन के लिए भी अधिकृत उन्हीं को किया गया। बस एक लाइन का प्रश्न, कब तक फैसला होगा टिकट? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया जल्द करने के वजह से, तो जल्द होगा। इस पर अभी हमारे संसदीय दल की बैठक में, संसदीय बोर्ड की बैठक में इस पे कोई चर्चा नहीं हुई। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है तो कौन से किन से वार्ता करनी है वो करें। बिहार, झारखंड एवं अन्य राज्यों से भी जो प्रस्ताव आए हैं उस प्रस्ताव में था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इसके संसदीय बोर्ड जो है वो तय कर दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत किया जाता है। और इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग का राज्य में और अन्य राज्यों में, बिहार झारखंड अन्य राज्यों में भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको तय करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, सीट शेयरिंग को लेकर पटना में लालू यादव ने बड़ी बैठक की है और इस बैठक में क्या कुछ मंथन में क्या कुछ हुआ है, चर्चा में क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? उत्कर्ष, और बिल्कुल नैना, देखिए करीब एक घंटे तक राबड़ी आवास पर लालू यादव ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई थी। पहले राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है, उसके बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक जो है वो की गई है और इस तमाम मुद्दे को लेकर अब लालू यादव को अधिकृत किया गया है कि तमाम चीज़ों का फैसला जो है वो अब लालू यादव लेंगे। यानी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अब तमाम जिम्मेदारियाँ जो हैं वो दे दी गई हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ चुनावी बिगुल बज चुका है और अब तक महागठबंधन में उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये बातें लगातार चल रही थी कि क्या सीट शेयरिंग को लेट हो सकता है, कि अब तक समन्वय जो है वो कांग्रेस के साथ लालू यादव का नहीं बना है। लेकिन देखिए आज वो तमाम चीजें साफ हो गई हैं, लालू यादव को अधिकृत कर दिया गया है कि आज से कल तक संभवतः ये माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो ऐलान है वो कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी यही माना जा रहा है कि 30 सीटों को लेकर जो दावेदारी आरजेडी की है वो कायम है। कांग्रेस को महज 5 सीटें मिल सकती हैं और इसके अलावा लेफ्ट को 5 सीटें। हालांकि कांग्रेस कम से कम 10 सीटों को लेकर बातें कर रही है और चाह रही है कि 10 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को मिले और बाकी सीटों पे जो बंटवारा है वो हो। लेकिन अब लालू यादव को अधिकृत कर दिया गया है और उसके बाद अब तमाम जो फैसले हैं वो लालू यादव लेंगे। लालू यादव की बात जो है वो राहुल गांधी से भी हुई है और अब तमाम चीज़ों को लेकर आखिरी फैसला जो है और निर्णय कह सकते हैं वो आना बाकी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल उत्कर्ष, बैठक में लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बैठक में पशुपति पारस को लेकर अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, चर्चा में उनका नाम तक नहीं आया और ऐसे में अब क्या बिहार में नए समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है?
और बिल्कुल देखिए, बीते दिन से जब पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दिया था, तब से ये बातें चल रही थी कि लालू यादव के साथ अब पशुपति पारस आ सकते हैं। लेकिन लगातार इस कयासों के बीच ये बातें भी सामने आई कि लालू यादव से मुलाकात करने के लिए वक्त ज़रूर मांगा पशुपति पारस ने, लेकिन अब तक लालू यादव ने मुलाकात के लिए वक्त नहीं दिया है। फ़ोन पर ज़रूर बात हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस गठबंधन में पशुपति पारस को लाने की सोच जो है वो अब लालू यादव की नहीं है। लालू यादव नहीं चाहते कि पशुपति पारस जो है वो इंडिया गठबंधन में आए। इससे पहले भी जब एनडीए गठबंधन अब तक छोड़ने का निर्णय जो है वो अब तक पशुपति पारस ने नहीं लिया है, तो जब तक वो एनडीए गठबंधन छोड़ते नहीं है तब तक दूसरे गठबंधन की बात नहीं हो सकती है। इसी वजह से जो लालू यादव है इन तमाम मुद्दों पर बात नहीं किया। हालांकि मुकेश सहनी को लेकर भी बातें आ रही थी कि मुकेश सहनी को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है इंडिया गठबंधन से, लेकिन इन दोनों नेताओं को लेकर फिलहाल कोई बात नहीं हुई है। पशुपति पारस ने जरूर वक्त मांगा था लालू यादव से मुलाकात का, लेकिन अब तक वक्त जो है वो नहीं दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल उत्कर्ष, अब देखते